हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसा काय, केड़ो हाल है, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर शो आरडी बाय अंकुर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के अगले कुछ सवालों पर। इस वीडियो में क्या होगा कि हम एक्सरसाइज 5.2 खत्म कर देंगे और जो अगली एक्सरसाइज है 5.3 उसमें जो फॉर्मूला काम आने वाले हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलो चालू करते हैं आज का सवाल। तो आज क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगल एबीसीडी, एवी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल बीएसी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड साइड बीसी एंड डायगोनल एसी एंड बीडी। यानी कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसके अंदर जिसका रेक्टेंगल का नाम क्या है, रेक्टेंगल का नाम है एबीसीडी। AB is equals to 20 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल BAC दे रखा है 60 डिग्री, हमको साइड BC फाइंड करनी है और एक डायगोनल तो AC फाइंड करना है और दूसरा डायगोनल होगा BD, जिसको हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले हमारे पास जो बना हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो गिवन क्या था इसके अंदर, गिवन है इन रेक्टेंगल ABCD AB equals to 20 सेंटीमीटर और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब कुछ बच्चों को क्या होता है, एंगल पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम होती है जब इस तरीके से एंगल दे दिया होता है। तो याद रखना जो बीच वाला पॉइंट होता है एंगल वहां पे बना हुआ होता है, जिस जो बीच में पॉइंट होता है, जैसे बीच में ए है तो एंगल बना हुआ होगा ए पर, और अगल बगल वाले जो पॉइंट होंगे इसके जो लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे पॉइंट होंगे वो उससे जाने वाली साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ए बी, तो एक साइड तो कौन सी हो गई ए बी, और इधर है ए सी, तो एक साइड हो गई ए सी। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री यहां पे हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे ट्राइंगल बना हुआ है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी यहां पे 90 डिग्री का है, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो करें, तो देखो हमको निकालनी है साइड बीसी। एंगल ए के लिए एंगल ए इस, ये तो हो जाता है एसी, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल के सामने बना हुआ है, 90 डिग्री एंगल के सामने बना हुआ है, तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज। जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है उसको बोलते हैं बेस, और जो एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। तो बीसी तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और एबी क्या हो गया, इसका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, तो पी अपॉन बी क्या रिलेशन होता है हमारे पास, होता है टेन थीटा। तो यानी कि टेन ए इक्वल्स टू पी अपॉन बी, टेन ए इक्वल्स टू पी अपॉन बी, पी क्या है बीसी, अपॉन बी क्या है ए बी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बीसी, हमें फाइंड आउट करना, तो बीसी लिया तो बीसी आ गया, ए बी कितना दे रखा है 20, तो अपॉन 20। अब फ्रॉम द टेबल, टेबल की सहायता से tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री, कितनी होती है रूट थ्री, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में क्या ले लेंगे, अपॉन में ले लेंगे हम 1। यहां भी ये चीज दोनों अपॉन में है, यहां भी दोनों अपॉन में है, कुछ प्लस माइनस इसमें करना नहीं है, तो क्या करेंगे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बीसी इंटू 1, बीसी इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 3। सिंपल वैल्यू का रूट 3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कैसे होता है, सिंपल वैल्यू आ जाती है उसके बाद रूट वाली वैल्यू आ जाती है, तो 20 रूट 3 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ बीसी। अब बीसी निकल गया, अब निकालना है एसी। तो एसी निकालने के लिए अब ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि बे अपॉन एच, बी अपॉन एच इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन एच, बी कितना है ए बी, एच कितना रखा हमारे पास एसी, तो ए बी अपॉन एसी, ए की कितना लगा 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है 20, ए सी कितना है ए सी आ जाएगा इज इक्वल टू cos 60 कितना होता है 1 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 यहां पे आ जाएगा,
क्रॉस यहाँ पे भी क्या कुछ प्लस माइनस में है नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे, तो AC into 1 कितना हो जाएगा AC, और 20 into 2 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो AC is equal to कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। अब हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर डायगनल्स आपस में इक्वल होते हैं, क्या होते हैं आपस में इक्वल, तो जो AC की वैल्यू आई है वही किसकी वैल्यू आएगी, BD की भी वैल्यू वही आएगी। तो इन रेक्टेंगल ABCD डायगनल AC is equal to डायगनल BD is equal to 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 40 सेंटीमीटर निकल के आया था आंसर। समझ में आया? अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और कोई भी एक साइड गिवन है और एक गलती से कोई एंगल दे दिया है, तो हम आराम से वहां पर अदर साइड्स को निकाल सकते हैं उनके बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके, ठीक है, और वो हम इस तरीके से करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 मेरी तरफ से यहां पे दी एंड होती है। अब आप क्या करेंगे, जितने भी मैंने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस कराए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में और इसके अंदर, उन सभी को एक बार देखेंगे, उन सभी को लिखेंगे, उन सभी को रिवाइज करेंगे, अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब आप उनको सॉल्व कर लेते हो तब आप आरडी शर्मा को करने की कोशिश करना। मेरा मानना है कि आप 90-95% क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी भाई, आपको उसमें सवाल इतने सारे हैं, मैंने कराए हैं इतने से, लेकिन मैंने वो सवाल कराए हैं जिससे कि आपको करने में उनको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 में काम आने वाले फॉर्मूलास की। तो देखो, अब यहाँ पे एंगल्स में चेंज होगा कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा। फिलहाल इनको एक बार पढ़ लेते हैं, उनका डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन और कॉस का यहाँ रिलेशन हो गया, तो जब यहाँ कॉस होगा तो यहाँ पे क्या रहेगा साइन, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। tan 90 minus theta equals to cot theta, or cot 90 minus theta equals to tan theta, sec 90 minus theta equals to cosec theta, or cosec 90 minus theta is equals to sec theta, यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाता है। अब इसका रिलेशन हम सिंपल सिंपल एक वैल्यू जानते हैं, सपोज करो ये तो फॉर्मूला हो गए, आप इनको समझने की कोशिश करते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं साइन 30 की, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 30 को मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको 90 के अकॉर्डिंग लिखूं तो 30 का बात है जब 90 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, क्या हो गया, मैं 30 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं, थीटा को भी नहीं लेते हैं हम, सिंपल ले रहे हैं कि साइन 90 माइनस 60, यानी कि इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो साइन की जगह साइन है, 90 की जगह 90 है, माइनस की जगह माइनस है, और थीटा का यह कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, थीटा तो कितना रहेगा 60 डिग्री ही रहेगा, तो वहां हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, मतलब जो थीटा की वैल्यू यहां हो गई वही वैल्यू कहां जाएगी यहां पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना था 90 माइनस 60, तो यहाँ कितना हो गया cos 60 हो गया। आप चेक कर सकते हैं टेबल में, अगर देखेंगे तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2 होती है। तो ये फॉर्मूला जो होते हैं इस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दे दूं तो tan 15 डिग्री इंटू 75 डिग्री को सॉल्व कर बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, तो अपन जानते हैं सबसे पहले चेक करेंगे हम किस तरह चेक करेंगे, इसका सम और इन दोनों का सम कितना है, दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है आपस में 90 डिग्री है, 75 प्लस 5 80, बचा कितना 10, तो 80 प्लस 10 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, यानी कि इन दोनों के बीच इन दोनों का रिलेशन 90 डिग्री के अकॉर्डिंग बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले एंगल को मैं लिखूंगा tan थीटा है,
तो tan थीटा को पकड़ो भाई साहब, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। अगर मैं थीटा 15 डिग्री कोई मान रहा हूं तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 15, tan 15 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 15, मतलब हम दोनों को चेंज नहीं करेंगे, जिन दोनों का सम 90 डिग्री बैठ गया है उन दोनों में से हम किसी भी एक वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं चेंज कर रहा हूं इस वाले को, तो मैं इसको क्या लिखूंगा cot tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा इनटू tan 75, यहां पे हमारे पास यही है, इसको हमने चेंज नहीं किया, हम किसी भी एक को चेंज करेंगे। 90 माइनस 15 कितना होता है 75, तो यहां कितना आ जाएगा tan 75 इनटू tan 75। अब गौर करें हम चीज एक चीज कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। तो ये अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो इसी वाले को करूंगा, तो 1 अपॉन में cot 75 डिग्री हो जाएगा और इनटू में कितना है सॉरी यहां थोड़ा सा लोचा हो गया, यहां पे tan नहीं आ रहा, यहां पे cot आया, अपन cot लिखा हुआ है ना, तो सॉरी यहां पे cot आएगा, यहां कितना आएगा cot है तो cot ही आ जाएगा। tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस 15, सॉल्व करने में कितना होगा cot किया है cot, सॉल्व किया इसको तो 75 इनटू tan 75, cot क्या होता है 1 अपॉन tan, तो 1 अपॉन tan 75। अपॉन कुछ नहीं, अपॉन में क्या मान लेंगे इसको 1 डिवाइड देने पे सेम वैल्यू से सेम वैल्यू डिवाइड करते 1 आता है, 1 से 1 का डिवाइड करूंगा 1 आएगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर 1 निकल के आ जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल याद रखने की चीजें हैं कि जब इस तरीके से दे रखा हो तो किन्हीं भी दो एंगल्स का सम करते हैं, अगर उनका 90 बैठा तो उनमें से किसी भी एक को चेंज कर लेंगे। अच्छा ये भी चीज चेक देखना कि कभी भी जब तक सेम एंगल नहीं होंगे वैल्यू आपस में, tan से tan आ रहा हो लेकिन जब तक सेम वैल्यूज नहीं होंगी वो दोनों आपस में क्रॉस आउट नहीं होंगे। जैसे यहां 15 डिग्री होता है या 75 है, तो 15 और 75 सेम नहीं है, तो थीटा की वैल्यू भी सेम होना बहुत जरूरी है। जब तक एंगल सेम नहीं होगा उन दोनों के बीच में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो अब इसी चीज को हम कल या अगली जो भी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें समझेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं फॉर्मूला किस तरीके से काम करेगा कि कोई भी अगर वैल्यू cos थीटा में दे रखी है तो उसको हम इसका यूज करके साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा की अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो इसका यूज करके cos में चेंज कर सकते हैं, cot में अगर कोई वैल्यू है तो इसका चेंज करके tan में चेंज कर सकते हैं, tan में दे रखी है तो cot में चेंज कर सकते हैं, cosec में दे रखी है तो sec में चेंज कर लेंगे, और sec में दे रखी है तो cosec में चेंज कर लेंगे। मतलब जो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी बड़ी वाली, तो उसमें भी साइन और cos में रिलेशन था, साइन की वैल्यू सिंपल थी उसकी पूंछ थोड़े उल्टा कर दिया तो cos की वैल्यू आ गई, फिर tan की वैल्यू सीधी थी तो फिर उसकी पूंछ थोड़े उल्टा करने पर cot की वैल्यू आ गई थी, sec की वैल्यू सीधी थी उसकी पूंछ थोड़े उल्टा करने पर cosec की वैल्यू आई थी, तो वहां पर भी साइन और cos में रिलेशन था, tan और cot में रिलेशन था, sec और cosec में रिलेशन था, तो वही रिलेशन यहां पे बनता है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब इसके बारे में और बात करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए do whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद जय भारत।